नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक टॉपिक, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स में विशेषकर पूछा जाता रहा है। हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइटल को। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो इस समय जुड़ चुके हैं। पवन मेरे साथ हैं, ओम प्रकाश मेरे साथ हैं, राजेश, राकेश, अजय, शिखा कटेवास, एसपी सिंह, चंदन देवांग, आरजे मेघवंशी, सागर उपाध्याय, सभी साथियों का स्वागत है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये खास सेशन, जिसमें आज हम आप लोगों को बहुत सारे सवाल कराएंगे। शायद 40-45 क्वेश्चन कराऊंगा जल्दी जल्दी, तो सभी लोग एकदम आंसर देने के मूड में रहना, ठीक है बेटा? चलिए तो जल्दी जल्दी मेरे प्यारे साथियों, गुड आफ्टरनून, और फटाफट अपने साथ शेयर सेशन को शेयर करते जाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इन्फॉर्मेटिव हैं। लेकिन हमेशा की तरह जरूरी सूचना में, सूचना नंबर एक, आपकी स्पेशल क्लास जो चल रही है इंडियन पॉलिटी की, वो सुबह 10 बजे चल रही है रेगुलर। कल भी आपकी क्लास रहेगी, आज भी क्लास थी आप लोगों की, तो सभी का स्वागत रहेगा उसमें। नंबर दो, रोजाना शाम को 5:30 बजे आप लोगों का एक स्पेशल सेशन इसी चैनल पर कवर किया जाता है, जो कि रोजाना होता है। आप अगर फुर्सत मिले 10-15 मिनट के लिए तो उसे देख लिया करिए, ठीक है? हाँ, और आप में से अगर कोई भी साथी एसएससी नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहा है और धुआंधार तरीके से, अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता फिर भी मुझे सीखना है, तो मेरा एक बैच चल रहा है जिसमें मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ा रहा हूँ। अंकित 10 रेफरल कोड है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, आप चाहे रेलवे कैटेगरी से हो, यूपीपीसीएस से हो, किसी से भी हो, अगर आपको पढ़ना है बेसिक से लेकर के जनरल, ये स्टैटिक जीके, तो इकलौता बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए। पुरानी क्लासेस में मिल जाएंगी, बाईलैंगुअल कंटेंट है, वो भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं भाई। अब जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के आंसर्स का इंतजार बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की मैंने आज सोची हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है, किसने घर्षण विद्युत का आविष्कार किया था, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। द राइट आंसर इज, आप लोगों के सामने है, फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है घर्षण बल के कारण, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हाँ भाई, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। प्रेम पांडे आपका आंसर सही है, जय नारायण प्रजापत, बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करें। घर्षण यानी कि जो इन फ्रैक्शन से एनर्जी क्रिएट होती है, उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो ये हो गए मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के बारे में, फ्रैंकलिन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी राहुल, निशा, सीताराम, रविंद्र, जय, राहुल, सभी साथी फटाफट फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत सारे आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं आप लोगों से। इसे ही हम टेलीफैक्स के नाम से जानते हैं साथियों। किस नाम से जानते हैं? टेलीफैक्स के नाम से साथियों इस यंत्र को जाना जाता है, जिसके माध्यम से हम अपने टेलीफोन की सूचनाओं को दूर तक पढ़ पाते हैं। दिस इज नॉन एज टेलीफैक्स, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, त्रि आयाम में लेजर बीम की, यानी कि थ्री डायमेंशनल के अंदर लेजर बीम की सहायता से जो चित्र बनाए जाते हैं, छाया चित्र बनाने की जो विधि होती है, इस विधि को क्या कहते हैं। बिल्कुल राहुल, आदित्य, प्रवीण, अमरजीत, सागर, रेखा, अशोक, पुष्पा, उत्तम, सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर दें, इसे किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के होलोग्राफी के नाम से। होलोग्राफी में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, तो लेजर बीम का उपयोग किया जाता है, दिस इज दी होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो थर्मल वेपर होती है, वाटर वेपर जो होती है, ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाला उपकरण निम्न में से कौन सा है। जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मेरे प्यारे साथियों, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, यानी कि ऊष्मा की जो एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी है उसको नापने वाला कौन सा वो है इंस्ट्रूमेंट है, तो दिस इज नॉन एज हाइग्रोमीटर, जो कि वायुमंडल के अंदर उपस्थित ह्यूमिडिटी को नापता है, इसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। बिल्कुल राजन कश्यप, रवि, महेश यादव, विनोद कल्याण, बिल्कुल सही आंसर है, जल्दी जल्दी चलते चलिए। परमाणवीय नाभिक किसके द्वारा खोजा गया था, यानी कि रदरफोर्ड ने क्या खोजा था, ये पूछा गया है आपसे, पूछा गया है एटम के सेंटर में जो उपस्थित नाभिक होता है वो किसने खोजा था, तो वो रदरफोर्ड ने खोजा था। कहाँ उपस्थित होता है? नाभिक के मध्य में उपस्थित होता है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। रिएक्टर स्केल आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, रिएक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे साथियों जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है ये रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। सुरेंद्र, अनिकेत, चंदन, इंजीनियर रोहन, बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी बता दी जाइए। बहुत सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा और ये सारे के सारा कंटेंट मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर, याद कर लेना, इससे बाहर के अंदर क्वेश्चन शायद ही जाएंगे।
ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस के साथ में बढ़िया बढ़िया आंसर लगा के दे रहा हूँ, याद कर लेना ठीक है बेटा। अर्थक्वेक इंटेंसिटी को जो है किस पर नापा जाता है मेरे प्यारे साथियों, रिएक्टर पैमाने के ऊपर नापा जाता है, ठीक है जल्दी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए जो यंत्र होता है वो किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन के आगे नंबर लिखते जाइएगा, जो भी मेरे प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं याद रखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मान लीजिए कि बी है, तो आप 7B लिख करके कमेंट में भेजें, मैं आपका नाम ले पाऊंगा ठीक है बेटा। हाँ बिल्कुल अनिकेत, बिल्कुल सही आंसर है आपका। दीप, RB विराट, अमनदीप, लवकेश परिहार, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। रोहित रंजन आ गए आप भी, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। स्टेथोस्कोप होता है जो डॉक्टर गले में लगाए घूमता है ना, जिसको कान में लगा के आपके दिल की धड़कन सुनता है, वो क्या होता है, वो आपका स्टेथोस्कोप होता है साथियों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था मेरे प्यारे साथियों, JL बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। JL बेयर्ड ने, आर्मी फैन भी है यहाँ पर उपस्थित, शालिनी गौतम, महेंद्र, विनोद, कृष्णा, सूरज, शिवानी, स्मृति, शिवम, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। जल्दी जल्दी अपने सेशन को शेयर करिए। तापमान मापने के लिए कौन से उपयोग का, कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है थर्मामीटर का यूज किया जाता है। थर्मामीटर में क्या डाला होता है, मरकरी यानी पारा डाला होता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है ठीक है बेटा। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है टेम्परेचर नापने के लिए, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। हाँ भाई, फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक बनाया गया था उसका नाम था पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इसे आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोज की गई थी, लंदन के रहने वाले हैं, इनकी यह खोज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इसके तहत साथियों सबसे पहली बार ये पता चला था कि किस प्रकार से एंटीबायोटिक काम करते हैं, तो इनकी खोज बहुत ज्यादा मायने रखती है ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एमीटर से किस भौतिक राशि की गणना की जा सकती है। एमीटर से क्या नापा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये याद होना चाहिए, एमीटर से एम्पियर नापा जाता है, यानी कि विद्युत धारा नापी जाती है। विद्युत धारा का जो यंत्र है वो इलेक्ट्रिक करंट नापने में काम में लिया जाता है। अंकित कुमार, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी, मिस्टर ब्राह्मण, कीर्ति राज, नीलेश बॉय, समरदीप जोशी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी साथीगण, शाबाश बेटा। देते चलिए, विभवांतर कैसे नापा जाता है। विभवांतर मतलब वोल्टेज के अंदर जो डिफरेंस आता है, इसको हम कैसे नापते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों जो वोल्ट मीटर होता है उसके माध्यम से विभवांतर नापा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी जल्दी आंसर लेते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सचिन, शाहिद, राजन, बिल्कुल शुभम आंसर सही दे रहे हो। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो पनडुब्बी होती है वो पनडुब्बी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। आप लोगों को मेरे कहने पर, आप लोगों ने शायद मूवी देख ली हो गाजी अटैक करके, उस पनडुब्बी के ऊपर एक इस प्रकार से यंत्र निकला हुआ होता है, यहाँ पर लेंस लगा होता है, जिसकी वजह से पनडुब्बी पानी में ही रहती है। इस लेंस के निकल आने से ये आसपास का जो भी क्षेत्र है उसे देख लेते हैं। पूछा जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, इस यंत्र को हम पेरिस्कोप कहते हैं। कहने का अर्थ है कि पानी में रहते हुए भी पनडुब्बी ऊपर के नज़ारे देख लेती है, इसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट जो कि आपका एक विस्फोटक पदार्थ है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो मेरे प्यारे साथियों अल्फ्रेड नोबल ने किया था। आज इन्हीं के नाम के ऊपर नोबल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। नोबल पुरस्कार जो विजेता है, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए जो शब्द आप यूज करते हैं नोबल पुरस्कार, असल में वो अल्फ्रेड नोबल के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था बेटा ठीक है। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स जो दो भाई थे जिन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो एरोप्लेन का आविष्कार किया था। फर्स्ट टाइम जो है वो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था, राइट ब्रदर्स ने साथियों इसने आविष्कार किया था ठीक है। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी। बढ़िया सवाल है, गामा किरण की खोज किसने की थी। आपको मालूम होना चाहिए रेडियो एक्टिव विकिरणें 3 प्रकार की होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। अल्फा के बारे में जानते हैं कि आप लोग हीलियम आयन का धनायन होता है, हीलियम 4 का प्लस 2 होता है, ये Fe4 प्लस 2 होता है, ये होता है आपका हीलियम का आयन। बीटा का क्या है, इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आपसे पूछा जा रहा है गामा रेडिएशंस की खोज किसने की थी, तो मेरे प्यारे साथियों विलियर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा, विलियर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प इंजन की खोज किसने की थी। मेरे प्यारे साथियों दुनिया जानती है, क्योंकि यहीं के बाद से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन की शुरुआत की गई थी। भाप इंजन में पानी के द्वारा भाप बनाया जाता है, उस पानी की वजह से जो भाप बना है उसके प्रेशर से गाड़ी या व्हीकल को चलाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है,
कैलाश का, हरिओम का, संकेत का, संकेत का, आर के गुप्ता, सोनम, राहुल, लव, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? वायुमंडल के दाब के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो ग्राफ बन के आता है प्यारे साथियों, जो दाब के अंदर परिवर्तन से जो ग्राफ बन के आता है उसे तो हम बैरोग्राफ कहते हैं, लेकिन जो यंत्र इनको नापता है उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। तो दाब नापने वाले यंत्र को तो बैरोमीटर कहते हैं और जो ग्राफ बन के आता है उसे हम बैरोग्राफ कहते हैं। इसी प्रकार से पेसमेकर का क्या कार्य होता है? पेसमेकर साथियों, जब लोगों की धड़कनें, दिल की धड़कनें प्रॉपर टाइम से काम नहीं कर रही होती हैं तो अतिरिक्त रूप से कुछ और यंत्र टाइप की चीजें लगा दी जाती हैं जो कि आपके हृदय को गति प्रदान करती हैं। तो ये हार्ट प्रे हार्ट की जो बीट्स हैं उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत ही पसंदीदा सवाल है, बहुत पुराना सवाल है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, प्रफुल्ल उज्जैन से जो है उनका भी, उज्ज्वला, प्रफुल्ल उज्ज्वला, प्रदीप, मनमोहन, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, जल्दी जल्दी, बिल्कुल, कल्पना, सोमेंस, उर्वशी, बिल्कुल, राज कुमार उपाध्याय, दिस इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। विटामिन की खोज किसने की थी? तो बेटा विटामिन की खोज की थी फंक ने, फंक नामक वैज्ञानिक ने जो है वो विटामिन की खोज की थी, याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? मेरे प्यारे साथियों, मार्कोनी ने आविष्कार किया था रेडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी द्वारा किया गया था। एक और इनसे मिलता जुलता नियम है जिसका नाम है मार्कोनी काफ का नियम, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है लेकिन वो रिएक्शंस के अंदर पूछा जाने वाला नियम है। माइक्रोफोन में निम्न में से कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा के अंदर रूपांतरित होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोफोन के अंदर जो रूपांतरण होता है वो साउंड एनर्जी का होता है, ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पेपर के अंदर पूछी गई चीजों में से हम आपके साथ सवाल लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से आप लोगों से अन्य सवाल जो पूछे जा रहे हैं उन सवालों को भी ध्यान से रखते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि मैंने लगभग 40 क्वेश्चन कराने की सोची है आप लोगों को, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं आर्यन गुप्ता, आदित्य, शिखा, मधु, गोकुल, राहुल, बाबन, लवी, एफ टी किलर, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, क्यूसेक, क्यूसेक आप लोग कई बार सुनते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा इतने क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया, तो वो बेसिकली होता क्या है, क्यूसेक किस चीज का मापक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाटर करंट का मापक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक पर सेंटीमीटर, क्यूबिक पर सेकंड पूछा जाता है, क्यूबिक पर सेकंड को क्यूसेक कहा जाता है, क्यूसेक यानी क्यूबिक पर सेकंड, कितने क्यूबिक पानी यानी कितने घन मीटर पानी प्रति सेकंड के हिसाब से छोड़ा गया है। तो वाटर की जो तीव्रता होती है साथियों वो क्यूसेक में नापी जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही। पंकज, अनी, शिप्रा, लालू, कृष्ण, आरजे, वैष्णव, बिल्कुल सही आंसर है बेटा। डायनेमो में क्या बदलता है? डायनेमो किस चीज को बदलता है मेरे प्यारे साथियों? तो डायनेमो बदलता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन बदलता है? तो आपका डायनेमो जो होता है वो बदलता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी साथियों? बढ़िया सवाल है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल के अंदर मेरे प्यारे साथियों ने सूर्य के मंडल की जो खोज है वो किसने की थी आपसे ये पूछा जा रहा है। गैलीलियो द्वारा सौर मंडल की खोज की गई थी, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करते जाइए, आगे बढ़ते जाइएगा। गैलीलियो ने दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुएं अगर देखनी है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों पूछा जा रहा है। दूरदर्शी के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसकी खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, न्यूटन द्वारा खोज की गई थी, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था इन्होंने, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बलों के बारे में एक बात कही जाती है, कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल दो भारी वस्तुओं के बीच में लगने वाले, मतलब उनके मास के हिसाब से लगने वाले जो बल हैं उनका ही रिवर्स होता है, उनकी ही कैलकुलेशन से इसको बनाया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे साथियों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सुभाष, दिनेश टाक, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, विवेक सोनी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों? तो लुईस पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। रेबीज के टीके में भी वही काम किया गया था जो वर्तमान में वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है, यानी कि रेबीज का जो वायरस है उसको टीके के अंदर डाला गया था और फिर वो मनुष्य के शरीर में डाला गया था, फिर उसके शरीर में उत्पन्न हुई प्रतिरक्षा को चेक किया गया था, जो प्रतिरक्षा डेवलप हुई उससे रेबीज का इलाज किया गया था। ये था अलेक्जेंडर, ये था लुईस पाश्चर के द्वारा किया गया कार्य। बैरोमीटर, बैरोमीटर का उपयोग किस कार्य को करने के लिए किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? मैंने आपको कहा था कि जो दाब के आधार पर ग्राफ बनता है वो तो बैरोग्राफ कहलाता है, लेकिन वायुमंडलीय प्रेशर को नापने के लिए जो यंत्र यूज में लिया जाता है उसे हम बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। अजय, रोशनी, सुनील,
शक्तिमान सिंह भी हैं कोई, वेरी गुड, इनके आंसर एकदम सही है साथियों, शानदार, चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का खोज किसने किया था, एक्सरे की खोज किसने की थी, एक्सरे जो मशीन है यार, एक्सरे का जो उपयोग करते हैं हम, इसकी खोज किसने की थी, तो मेरे प्यारे साथियों रॉयंट जन ने एक्सरे की खोज की थी। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, जोनस साल्क ने किया था। एक का नाम तो आपने निक जोनस याद किया हुआ ही है, इसका नाम याद कर लीजिएगा, जोनस साल्क, जोनस साल्क द्वारा मेरे प्यारे साथियों खोज की गई थी। किसकी की गई थी, पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। किरण चौहान, राजकुमावत, सुभाष, एमडी सद्दाम, आरके रियान, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, बढ़िया सवाल है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है इसको नापा जाता है, किसके द्वारा, आपके हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइग्रोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है इसको हाइग्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। आप सभी जानते हैं परमाणु के अंदर तीन तत्व, मतलब तीन भाग किए जा सकते हैं परमाणु के, किस क्या क्या बनाया जा सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीन से मिलकर के एक परमाणु सामान्यतया मिलता है, बनता है मेरे प्यारे साथियों। इसकी खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने किसकी की थी, तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई थी, ठीक है। हाँ भाई, हंसाने वाली गैस जो होती है जिसे आप N2O कहते हैं, N2O जिसे आप हंसाने वाली गैस कहते हैं, असल में इसका उपयोग क्या किया जाता है बच्चों, असल में इसका उपयोग किया जाता है, आप लोग जब दांत का ऑपरेशन कराने जाते हो, कभी आपने कभी दांत का ऑपरेशन कराया हो, मुंह में ऑपरेशन कराया हो, तो डॉक्टर आपके मुंह को जो हवा लगाता है ना, जिसकी वजह से आपका मुंह खुला ही रहता है पूरे टाइम में, वो है हंसाने वाली गैस। और इसका आविष्कार किया था प्रिस्टले ने। सामान्यतया डॉक्टर जो डेंटिस्ट लोग होते हैं वो आपके दांत का इलाज करते समय इस गैस को आपको सुंघा करके आविष्कार करते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी, बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे साथियों। पिनेकस के द्वारा इसकी खोज की गई थी, गर्भ निरोधक गोलियों की जो खोज की गई थी ये पिनेकस के द्वारा की गई थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बढ़िया सवाल का आंसर दे रहे हैं आप, शाबाश, चलते रहिए। इस समय है मेरे साथ में MM मिश्रा, अनिकेत कुमार, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, चलते चलिए। डेंटल ऑपरेशन, हाँ भाई, कोकू लगा कभी करवाया हो दांत में, अगर कुछ चीज खराब हो जाती है तो देखा होगा। जिस यंत्र द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है, दूध की जो शुद्धता नापी जाती है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए साथियों लैक्टोमीटर कहा जाता है। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि लैक्टोमीटर कैसे, आपको मालूम है कि दूध के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। तो लैक्टिक्स, लैक्टम, लैक्टिक एसिड, लैक्टोमीटर, ये सब लैक्टिस जो है ये सब दूध से ही संबंधित चीजें होती हैं। जेनेटिक कोड मतलब क्या होता है, जीन किसी विशिष्ट क्रम में जुड़े हुए होते हैं, तो जीनों का जो विशिष्ट क्रम है, इनके विशिष्ट क्रम की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक फीच पैदा होती हैं, जिसे हम फीनोटाइप कहते हैं, उस फीनोटाइप फीचर की जो खोज है मेरे प्यारे साथियों, ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हरगोविंद खुराना। ये जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार 25,000 से अधिक जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, बढ़िया सवाल है, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, सिम्पसन ने की थी, याद कर लीजिएगा। CHCl3 कहते हैं क्लोरोफॉर्म, सामान्यतया यह निश्चेतक के रूप में कार्य लिया जाता है, लोगों को बेहोश करने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं कि यदि इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन और सनलाइट मिल जाए तो ये COCl2 में, यानी कि फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाएगा और साथ में HCl बन के आएगा। मेरे प्यारे साथियों फॉस्जीन एक विषाक्त गैस होती है जिसके सूंघने से बहुत बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका मानना यह भी है कि इसको पहले ऑपरेशन करते समय डॉक्टर द्वारा उपयोग में लिया जाता था, लेकिन इसके अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ये फॉस्जीन का निर्माण करती है। मेरे प्यारे साथियों यही कारण है कि जब भी हम क्लोरोफॉर्म को भरते हैं तो एक ब्लैक कलर की बोतल में भरते हैं और गले तक भरते हैं। कहने का मतलब हुआ इसकी वजह से इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन ना कर पाए, इस प्रकार से साथियों इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लेजर किरणों का अन्वेषक कौन था, किसने लेजर किरणों के बारे में पता लगाया था मेरे प्यारे साथियों, उनका नाम है चार्ल्स टाइन्स जो है मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने लेजर किरणों के बारे में पता लगाया था, ठीक है। हाँ भाई, वायु का वेग किससे नापते हैं, वायु का वेग अगर नापना हो कि वायु किस गति से चल रही है तो इसे किससे नापते हैं, मेरे प्यारे साथियों एनीमोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से दाब नापा जाता है, स्पीडोमीटर से गाड़ी की गति नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, आर्द्रता नापी जाती है, ठीक है बेटा। एनीमोमीटर जिससे वायु का वेग पता चलता है, आप लोग बहुत बार सुनते हैं ना इस गति से हवाएं चलेंगी, तो वो कहाँ से नापी जाती हैं, तो वो एनीमोमीटर से नापी जाती हैं। दो वस्तुओं के मध्य में कोणीय दूरी किस उपकरण द्वारा नापी जाती है, बढ़िया सवाल है। दो वस्तुओं के बीच में
कोणीय दूरी जो आप नापते हैं उसको कहते हैं सेक्सटेंट, जिसकी वजह से आप नापते हैं उसे सेक्सटेंट कहते हैं, है ना, वो एक पाना सा रखा होता है जो आपके पास में। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी मेरे प्यारे साथियों, बढ़िया सवाल है, आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? बिल्कुल पवन, मधु, मोहित, टीपू, विश्राम, नरेंद्र, राजा कुमार उपाध्याय, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चे। द राइट आंसर इज कार्ल्स लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। लैंड स्टीनर ने तो ब्लड ग्रुप की भी खोज की थी, ठीक है, लेकिन वीनर ने बाद में आर एच फैक्टर की खोज की थी। ये होते क्या हैं? एंटीजन होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटीजन। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आरबीसी के ऊपर। आरबीसी क्या होती है? रक्त के अंदर पाए जाने वाली कणिकाएं हैं, उनके ऊपर मेरे प्यारे साथियों एंटीजन पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या मैडम क्यूरी ने परमाणु संरचना से संबंधित बात, कौन सा युग्म सुमेलित है पूछा जा रहा है? मैडम क्यूरी जो है मेरे प्यारे साथियों सुमेलित नहीं है पूछा नहीं जा रहा है, सुमेलित है ये पूछा जा रहा है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मैडम क्यूरी जो है वो जानी जाती हैं आपके रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए। बोर एक्सरे जो है वो, नील्स बोर जो है वो एक्सरे के लिए नहीं, परमाणु के अंदर जो लेवल प्रेजेंट होते हैं ऊर्जा के उनके लिए जाने जाते हैं। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रो प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, ये सही है, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी? साथियों याद होना चाहिए इस डीडीटी का छिड़काव आप डिसइंफेक्टेंट के रूप में करते हैं, बेहद बढ़िया सवाल है। पवन कुमार, कपिल, दिलीप, प्रतेश चंदन, नितेश, पंकज, धर्मेंद्र, सभी का आंसर सही है मेरे प्यारे साथियों। डीडीटी का उपयोग पाल मूलर द्वारा किया गया था, है ना, इसके वजह से क्या होता है। और साथियों मैं आपको एक बात बताऊं, जानवरों को शरीर में अगर डीडीटी का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है पता है? इसकी वजह से बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो आगे जाकर के जीवों का नुकसान करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों बैटिंग एंड बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, यह अतिरिक्त फैक्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद है सभी साथियों को बहुत सारे फैक्ट यहां से मिल गए होंगे। आप लोगों के पेपर में ये चीजें पूछी जाती हैं, यह है ये सारा की सारा कंटेंट मैं आपको थोड़ी देर में मेरे टेलीग्राम ग्रुप जीके भाई अंकित अवस्थी सर पर डाल रहा हूं, वहां से आप इन चीजों को प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसके अतिरिक्त रोजाना मैं स्पेशल क्लासेस पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर। कैसे ये लेनी है मैं बता दूं, अनअकैडमी पर जाकर के आपको एसएससी गोल सेलेक्ट करना है, एसएससी गोल में स्पेशल क्लास लेनी है, स्पेशल क्लास के अंदर आपको मेरी ये वाली क्लास दिखाई दे जाएगी, ठीक है बेटा। इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, बड़ी जोर शोर से चल रही है। यदि आपको लगता है कि आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है और यहाँ पर कल से मैं मैपिंग शुरू कर रहा हूँ, मैपिंग मैप बनाना शुरू कर रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि आपको मैपिंग शुरू करनी है, मैपिंग सीखनी है, तो स्वागत है, कल से मैपिंग शुरू हो रही है। जो पिछला पार्ट छूटा है वो पूरा मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से पॉलिटी, पॉलिटी पूरी डिटेल से जिस प्रकार से आपको बहुत ही रोचक तरीके से मैंने पढ़ाई है अभी स्पेशल क्लास में, उसका भी बड़ा पार्ट यहाँ पढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट डिटेल से, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो टू हीरो बैच है ये, जो आपके पेपर में काम आएगा उसको ध्यान में रखते हुए लाया जा रहा है। आपको जुड़ने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करना है, और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं सिखा देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए, इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद चूज योर गोल में एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करिए। एसएससी एग्जाम गोल सेलेक्ट करने के बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। गेट सब्सक्रिप्शन पर जब आप पहुंच जाएंगे तो यहां पर पहुंच करके आपको 6 मंथ और 12 मंथ इनमें से ऑप्शन चूज करना है। बेहतर रहेगा आप 12 मंथ का ऑप्शन चूज करें, क्योंकि इतना वाला पोर्शन तो मैं वैसे ही फ्री में पढ़ा देना हूँ, यहाँ पे स्पेशल क्लास जो चल रही है वहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप 12 मंथ का लीजिए, इसमें करंट की क्लासेस तो मिलेंगी, साथ में इन दिनों जितने भी बैच शुरू हो रहे हैं मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, ये सारी क्लासेस आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। आप बेहतरीन तरीके से तैयारी जीरो से, डे जीरो से कर सकते हैं। जो निकला हुआ है कंटेंट वो भी सारा मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट बात पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, आपको सारा कंटेंट जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म में मिल सकता है, यानी आप आराम से अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। कंटेंट को लेने के लिए आप क्या करेंगे, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करेंगे, यहां पर स्पेस नहीं देना है और कैपिटल लेटर यूज करने हैं। इसको अप्लाई करने से जो फीस है उसमें 10% डिस्काउंट मिलता है, 6000 वाली जो फीस है वो आपको 5400 की पड़ जाती है। इसी प्रकार से 4800 वाली जो फीस है वो आपको 4320 की पड़ जाती है। इस प्रकार से आपका कोई छोटा भाई बहन हो जिसको सीबीएसई की तैयारी करनी हो, मात्र 99 रुपीज में अनअकैडमी ने प्रमोशनल ऑफर चलाया हुआ है। यदि किसी को अभी भी ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, रेफरल कोड अंकित 10 लगा करके 9th से 12th तक की बोर्ड की सारी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पर प्लस सेक्शन में। हाँ जी, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए डिफेंस एग्जाम, वाईफाई डिफेंस एग्जाम हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव टेस्ट देते रहना चाहते हैं तो वाईफाई लाइव टेस्ट आप अपने साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर शाम को मुलाकात होती है 5:30 बजे किसी रोचक इंटरेस्टिंग पहलू के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।